ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, एक गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ बेसिकली फीमेल्स के लिए है, जम्मू कश्मीर जो फीमेल्स हैं उनके लिए है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ उसमें एज भी 40+ है। अगर आप 40+ भी हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकली सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए, ठीक है। सुपरवाइज़र की पोस्टें निकली हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, टोटल पोस्टें जो हैं 201 हैं। और क्या इसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो JKSSB ने ये नोटिस निकाला है और चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 201 पोस्टें जो है वो निकली हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या है कि ये स्पेशल फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं, सिर्फ स्पेशल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट की, तो इसके फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे आपके 15 दिसंबर से और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 14 जनवरी, ठीक है। स्टार्ट आपके 15 दिसंबर से होंगे और 14 जनवरी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है इसकी, क्लियर है। चलो, अब टोटल वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें कुछ लिखा हुआ है कि बंदा जो है वो डोमिसाइल होम मतलब जम्मू का ही होना चाहिए। और वैकेंसी के बारे में मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओपन की एज लिमिट रखी है 40, ठीक है। मैक्सिमम 40 साल अगर आप हो तो आप फिल कर सकते हो। SC ST के लिए 43 43, RBA बाकी जितने भी है ना कैटेगरी वाले सबकी 43 43 रखी हुई है, ओके, क्लियर है। मतलब एज ओपन के लिए 40 है, बाकी सबके लिए 43 है जितने भी कैटेगरीज में आते हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट सर्विस में जो हैं जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं उनके लिए भी 40 ही है, ओके। और जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए 42, ओके। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, क्वालिफिकेशन बेसिकली इन्होंने एनेक्शर ए में बताई है। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी, मेरे साथ बने रहिए। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत मतलब आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। और सबसे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी, तो सबने पे करनी है। यहाँ पे ओपन के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 400 उन्होंने रखी हुई है फ़ीस। वहीं पे नेक्स्ट अगर हम बात करें ना सिलेबस की, तो उन्होंने लिखा है सिलेबस जो है वो हम अलग से नोटिफाई करेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इसका सिलेबस है। बिकॉज मेरी जब हमने स्टार्ट करे थे कोर्सेज, तो मेरी लाइफ का पहला जो कोर्स था वो सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र ही था। वो सुपरवाइज़र कोर्स ही मैंने बच्चों को पढ़ाया था। और मेरे पास इसका सिलेबस मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बट इस वीडियो में बने रहे सबसे पहले। तो नेक्स्ट आपको जो मुझे मेन चीज़ बतानी है वो बतानी है इसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है वो अनेक्शर ए में दी गई है। तो चलिए आ गया जी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बोला है टोटल पोस्ट, आप सभी को पता 201 पोस्टें हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें 20 पोस्टें हैं टोटल, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें 15 पोस्टें हैं, कठुआ की बात करें 13 पोस्टें हैं। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्लस अपने व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है वो मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, जम्मू में जो है वो 15 पोस्टें हैं, कुपवाड़ा में 20 पोस्टें हैं, कठुआ में 13 पोस्टें हैं, इस तरह से डिफरेंट पोस्टें हैं, बट टोटल पोस्टें 201 पोस्टें हैं, आप देख लेना क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होने वाला है, ओके। अब हम मेन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, उन्होंने क्या लिखा कि जो फीमेल है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, फीमेल ग्रेजुएट होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस ये किनको देंगे, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किनको देंगे, जिन लेडीज़ का होम साइंस है, ठीक है, सब्जेक्ट होम साइंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट है या सोशियोलॉजी है, मतलब सोशियोलॉजी होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट, ये अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन में आप लोगों का सब्जेक्ट है तो उनको एक प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि 95 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन मतलब आपको जो पेपर होगा वहाँ से होंगे, और 5 नंबर जो है वो आपको प्रेफरेंस के तौर पर दी जाएंगे, ओके, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं उस सारे स्पेशल ऑफर की। देखो, ये नोटिफिकेशन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का बारामूला में कितनी 16 पोस्टें हैं, रजौरी में 14 पोस्टें हैं, तो इस तरह से आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अब मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र की, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी जर्नी जो थी शायद इसी एक पोस्ट से स्टार्ट हुई थी, और इसका मेरे पास सिलेबस अवेलेबल है पहली चीज़, और ये स्पेशल पोस्टें फीमेल्स के लिए हैं, ये स्पेशल फीमेल के लिए पोस्टें हैं। तो आप लोगों को इसका सिलेबस प्लस इसका मटेरियल, सिलेबस प्लस मटेरियल जो है वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ PDF,
और मेरे वीडियो लेक्चर जो हैं वो बाकायदा मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये स्पेशल फीमेल्स के लिए रहने वाला है, तो यहाँ पे कंपटीशन की अगर हम बात करें बहुत ना के बराबर होगा, ना के बराबर, मैं फिर कह रहा हूँ ना के बराबर होगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करेगा ना, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन होने के 95% चांसेस होंगे जो दिल से पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को पूरा कंटेंट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7006332724 पे। जैसे आप इस पे मैसेज करेंगे आपको लिखना है सुपरवाइजर, क्या लिखना है, सिंपल आपको सुपरवाइजर लिखना है, आपको लिंक मिल जाएगा एक, बस आपको उस लिंक पे क्लिक करके, देखो आपको लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सुपरवाइजर लिखना, मैं आपको खुद ही सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।